हेलो फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है, व्हाट टाइप्स ऑफ एनजी मॉड्यूल, दोस्तों मतलब कि आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एनजी मॉड्यूल कितने टाइप का होता है और उसका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको अच्छे से देखें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर इंटरव्यू पर्पज। तो दोस्तों, जो एनजी मॉड्यूल का टाइप होता है, फाइव टाइप्स होता है। पहला होता है फीचर्स मॉड्यूल, दूसरा होता है राउटिंग मॉड्यूल, तीसरा सर्विस मॉड्यूल, चौथा होता है विडजेट मॉड्यूल, एंड फाइव होता है जो शेयर मॉड्यूल। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं बारी बारी से एक एक करके कि इसका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, जो फ्यूचर मॉड्यूल होता है, द फ्यूचर मॉड्यूल्स आर एनजी मॉड्यूल्स फॉर द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड एप्लीकेशन कोड। मतलब कि दोस्तों, फ्यूचर मॉड्यूल क्या करता है, एनजी मॉड्यूल के का जो मॉड्यूल का जो पार्ट होता है, ये उसको क्या किस लिए यूज करते हैं, एप्लीकेशन को, कोड को मैनेज करने के लिए। मान लो दोस्तों, एक सिनेरियो मान लेते हैं, कोई हमारा एप्लीकेशन बहुत बड़ा एप्लीकेशन है जिसमें बहुत सारे पोर्टल हैं। जैसे मान लो दोस्तों, हम किसी कॉलेज ईआरपी की बात करते हैं, तो उसमें दोस्तों मान लो कि हमारे पास पेरेंट पोर्टल हो गया, स्टूडेंट पोर्टल हो गया, एकेडमिक हो गया, लाइब्रेरी हो गया, तो बहुत सारे पोर्टल हो जाएंगे। तो अगर हमको सबका, जितने भी कंपोनेंट होंगे, जितने मॉड्यूल होगा, अगर सबका रेफरेंस हम अपने रूट मॉड्यूल जो होता है एनजी मॉड्यूल का, वो जो ऐप डॉट मॉड्यूल और टीएस, उसमें हम देते हैं, तो बहुत सारा लेंदी हो जाएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम होता है, सर्च करने में प्रॉब्लम होगा, तो हम उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, कि हर मॉड्यूल का, हर जो पोर्टल है, हर अपना अपना एक एनजी मॉड्यूल बना लेंगे, और उसका, उन सारे एनजी मॉड्यूल्स का जो ऐप मॉड्यूल, ऐप रूट मॉड्यूल होता है, उसमें रूट में एप रेफरेंस दे देंगे, राइट। तो इससे क्या, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, फीचर्स मॉड्यूल बोलते हैं, राइट। अगला होता है दोस्तों, राउटिंग मॉड्यूल। राउटिंग मॉड्यूल दोस्तों होता है नेविगेशन के लिए। अगर हमारा यूजर किसी एक पेज से दूसरे पेज पर भी जाना चाहता है, तो उसमें हम राउटिंग मॉड्यूल यूज होता है। राउटिंग का मतलब ही होता है दोस्तों कि नेविगेशन, राइट। कि राउटिंग इज यूज टू मैनेज राउट एंड ऑल्सो इनेबल नेविगेशन फ्रॉम वन व्यू टू अनदर व्यू एज यूजर परफॉर्म एप्लीकेशन टास्क, राइट। अगला होता है दोस्तों, सर्विस मॉड्यूल। सर्विस मॉड्यूल क्या होता है दोस्तों, कि सर्विस प्रोवाइडर को यूज करने के लिए होता है। कि मींस कि जो सर्विस मॉड्यूल होता है, कंटेन करता है सर्विस एंड प्रोवाइडर्स को। इट प्रोवाइड यूटिलिटी सर्विस सच एज डाटा एक्सेस एंड मैसेजिंग, राइट। द रूट ऐप मॉड्यूल इज द ओनली मॉड्यूल डेट शुड इंपोर्ट सर्विस मॉड्यूल्स, राइट। और इसका जो एग्जाम्पल, गुड एग्जाम्पल होता है दोस्तों, एचटीटीपी क्लाइंट मॉड्यूल, राइट। ये एक प्रकार का सर्विस मॉड्यूल है। अगला होता है दोस्तों कि विडजेट मॉड्यूल। ये क्या कहता है दोस्तों, कि थर्ड पार्टी यूआई कंपोनेंट लाइब्रेरी है, इसको हम अपने यूआई को चेंज करने के लिए अपने एप्लीकेशन के अंदर यूज करते हैं। अगला होता है दोस्तों, शेयर्ड मॉड्यूल। शेयर्ड मॉड्यूल क्या करता है दोस्तों, कि हमारे एप्लीकेशन कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए होता है। इसमें होता है क्या दोस्तों, कि हम इसके अंदर, एक ही मॉड्यूल के अंदर क्या करेंगे, कि बहुत सारे कॉमनली जो बहुत सारे जगह यूज होते हैं, कंपोनेंट, डायरेक्टिव्स एंड पाइप, सबको एक ही मॉड्यूल में रख लेंगे, और जहां रिक्वायर्ड हो वहां पर हम उसको यूज कर सकते हैं। इस चीज को कौन करता है, शेयर मॉड्यूल के अंदर कर सकते हैं, राइट। यही अलाउ करता है कि हमेशा कर सकते हैं, राइट। तो आई थिंक सो, अब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि एनजी मॉड्यूल कौन कौन सा टाइप होता है और उसको हम कैसे क्यों यूज करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, तो आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आप डीपली नॉलेज के लिए हमारे इसी चैनल पर एक सीरीज चल रहा है, एंगुलर 5 फुल ट्रेनिंग सीरीज, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।